महिलाओं की आमदनी बढ़ाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार जहां अनेक तरह की योजनाएं चला रही है, इसका लाभ छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी उठा रही हैं। दुर्ग जिले के ग्राम गाढ़ाडी स्थित की जागृति स्व सहायता समूह की महिलाएं पानी का कारोबार कर इससे अच्छा खासा लाभ कमा रही हैं। समूह की महिलाएं LIC द्वारा दिए गए RO प्लांट के जरिए पानी को फिल्टर कर उसे बेचती है। पानी की आपूर्ति के लिए उन्होंने एक रिक्शा भी ले लिया है जिसे वे खुद चलाती हैं। कारखानों में हमने एक दिन में प्रतिदिन 50 या 60 डब्बा हमन फिल्टर कर लेते हैं ना। वो डिलीवरी आते जैसे क्या मलोरी गोढ़ियारी काना कोठे में हमने यहाँ तक पहुँचा देता है ना। हमारे गांव में दुकान है वहाँ भी हमन हर डिलीवरी कर देते हैं। हर रोज़ एक डब्बा जैसे दुकान वाले छोड़ देते हैं और में जैसे कि राशि आते हैं में हमें बहुत मदद मिलते हैं, सहायता मिलते हैं। मलिका मल हम अच्छा से पढ़ा लिखा सकते हैं और हमारे घर में भी हम कुछ काम रहते वो में अपना सहयोग दे सकते हैं वो काम के पैसा से। पहले तो हम खेती बाड़ी करते रहे वो में हमारा काम करे में बहुत दिक्कत भी होती रही से घर चलाए में। अब बहुत आसानी होते कि समूह चलाए समूह से हवन हमन जुड़े हुए हैं, RO प्राण में भी जुड़े हुए हैं। ओका से हमारा बहुत लाभ मिलते, ओका से हमारा का कहते बहुत फायदा भी मिलते हमारा। बच्चा मतलब पढ़ाई लिखाई में सहायता मिल जाते वो मतलब। हमारे गाँव गाढ़ाडी में ना एक LIC हृदय परियोजना के अंतर्गत एक समर्थन संस्था आई है ना, तो उनके माध्यम से हम लोग को RO फिल्टर का काम मिला और इसमें हम लोग बहुत से अच्छे से व्यापार कर रहे हैं। इसमें क्या है, हम लोग घर बाहर निकल भी रहे हैं। दूसरी बात, हमारे अंदर जो डर थी घर के अंदर रहते थे और जो डर थी वो बाहर निकलने के बाद हम लोग के अंदर जो डर है वो खत्म भी हो गया है। और सबसे पहली बात, हम लोग यहाँ अपनी पहचान भी अच्छी तरह से बना रहे हैं सर। हम लोग का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। क्षेत्र की परियोजना अधिकारी गीता साहू ने बताया कि पानी के कारोबार से समूह की इन महिलाओं को सालाना 2 लाख रुपए से अधिक की आय हो रही है। योजना है महिलाओं को समूह से जोड़कर उसके आय में वृद्धि करना और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि महिलाएं समूह से जुड़कर उन लोगों को अनुदान के रूप में 15,000 की राशि भी प्रदान की जाती है सरकार की तहत सरकार के द्वारा और VOCIF की तरफ से 60,000 CIF राशि भी मिल चुका है और महिलाएं अपने बैंक से 2 लाख तक के लोन भी लिए हैं जिससे उसमें आजीविका करके अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। पानी की बात कहें तो महिलाएं डेली का 50 से 60 केंट अपना बेच लेती है, इससे लगभग उन लोगों को महीने में 20 से 25 हज़ार की आय हो जाती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने भी अंतरिम बजट में देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में गाढ़ाडी गांव की महिलाओं की आत्मनिर्भरता अन्य गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही है।